दोस्तों छठू की माँ अभी सब्जी के लिए तैयार कर रही है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो क्या है जी? कोयनार साग है जी। दोस्तों ये कोयनार साग है, कोयनार साग का पत्ता है का जी? हाँ जी। आप लोग देख ही सकते हैं, पेड़ में रहता है वाला। कोयनार जो कि पेड़ में रहता है उसका नाम ही है। तो वही चीज का आज रेसिपी बनेगा, आप लोग देख ही सकते हैं दोस्तों। तो देख ही सकते हो, अभी हम लोग साग को धो रहे हैं डेगची में। दोस्तों साग को डेगची में डाल रहे दी, आप लोग देख ही सकते हैं। धोएंगे जी और उसको बढ़िया से धो लेना है। और उधर प्याज भी बढ़िया से भून जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और एक नया वीडियो में। दोस्तों अभी शाम हो रहा है, शाम का लगभग 6 भी बज चुका है आज। हाँ जी। और दोस्तों शाम होते ही एकदम थोड़ा हल्का हल्का मतलब ठंडा ठंडा हवा लगने लगता है तो बहुत बढ़िया लगता है दोस्तों। आजकल मतलब गर्मी का दिन है ना दोस्तों, एकदम दिन भर इतना गर्मी लगता है और खासकर दोस्तों पहाड़ी इलाका में बहुत ही ज्यादा गर्मी लगता है, क्या ही बताएं दोस्तों। हम लोग के घर आसपास पेड़ सब है, आप लोग देख सकते हैं पीछे बहुत सारे, तो इसलिए थोड़ा मोड़ा कम लग जाता है, नहीं तो जो आसपास पेड़ वगैरह नहीं है वो आसपास बहुत ही ज्यादा मतलब की गर्मी लग जाता है, क्या ही बताएं दोस्तों। अभी शाम हो रखा है, मस्त वाइब हो रखा है। रहा दोस्तों छठू पूरा डांस करता है आजकल, देख सकते हैं पूरा नाचता है का छठू। और इस जगह मिठाई रख लिया है क्या छठू, है ना है छठू। और दोस्तों छठू की माँ अभी सब्जी के लिए तैयार कर रही है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो क्या है जी? कोयनार साग है जी। दोस्तों ये कोयनार साग है, कोयनार साग का पत्ता है क्या जी? हाँ जी। आप लोग देख ही सकते हैं, पेड़ में रहता है वाला। कोयनार जो की पेड़ में रहता है उसका नाम ही है। तो वही चीज का आज रेसिपी बनेगा, आप लोग देख ही सकते हैं दोस्तों। बढ़िया से उसको काट रही है का? हाँ जी, पतला पतला काटेंगे, प्याज भी डालेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो, हम लोग कोयनार का सब्जी आज बना रहे हैं। देख सकते हो पेड़ में रहता है, बालक बालक रहता है, उसको तोड़ते हैं और हम लोग इसको आज सब्जी बना रहे हैं। दोस्तों ये कोयनार का पत्ता है, उसी का सब्जी बनेगा। और छठू इधर पूरा खेल रहा है क्या छठू? देखो बैल के साथ में खेलता है क्या छठू, है ना? हाँ, बैल के साथ में छठू खेलते रहता है। ए पपी दे दे दो एक बार। हाँ पपी दे दिया छठूगा। चटुआ जा, जाओ देखो जा, जा रे। वो देखो आ रहा है छठू के सामने, आ रहा है छठू के पास, आ रहा है छठू के पास। छठू डर जाता है क्या छठू? हाँ दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं इधर खाना बन रहा है, पर कि पूरा आग बंद हो चुका है, जलना नींद चुका है बोले तो। जल गया दोस्तों बढ़िया से, आप लोग देख ही सकते हैं हम लोग का खाना बन रहा है। तो दोस्तों देख सकते हो अभी हम लोग काट रहे हैं, पूरा कंप्लीट हो गया साग काट को, पूरा मैं ही काट लिए हैं अभी, अब काटना बाकी है, प्याज को काट रहे हैं। देख सकते हो अभी हम लोग साग को काट को पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, अभी प्याज काट रहे हैं, देख ही सकते हैं। छठू छठू खाने खोज रहा है, खाने खोज रहा है साग को। हाँ खाएगा, हाँ बोलता है री अरे री तुम अरे अरे नाच को दिखा दो तो छठू। चप्पल पहनने चल गया है छठू। चलिए दोस्तों हम लोग काट लिए प्याज को, अभी जा रहे हैं अंदर में सब्जी बनाएंगे, जा रहे हैं। चलिए जी चलिए दोस्तों, इसमें है आप लोग देख ही सकते हैं, इसमें प्याज और है कोयनार साग, और कितना ही मस्त लग रहा है दोस्तों। आज साग का रेसिपी बनेगा पूरा। तो देख सकते हो कढ़ाई गर्म हो चुका है, उसमें हम लोग तेल डाल रहे हैं। दोस्तों हम लोग डाल लिए तेल, देख ही सकते हो। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं किस तरह से सनलाइट पूरा अंदर आ रहा है, एकदम गांव देहात में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है दोस्तों, ताकि जो रोशनी है सूरज का वो बढ़िया से अंदर आ सके, और इस तरह से आ रहा है आप लोग देख ही सकते हो। दोस्तों देख ही सकते हो अभी हम लोग प्याज डाल रहे हैं, पूरा मिर्चा पूरा तैयार हो चुका है, कल्ला हो रहा है। और दोस्तों रोशनी में थोड़ा सा डिस्टर्ब रखे हैं, क्या ही बताएं। तो दोस्तों हम लोग डाल दिए उसको, चला को पूरा मिक्स कर दे रहे हैं, देख सकते हैं प्याज भी भून जा चुका है, बहुत आंच जल रहा है, आंच में जल रहा है बहुत ज्यादा, इसीलिए पूरा भून जा। तो दोस्तों देख ही सकते हो अभी हम लोग साग को धो रहे हैं डेगची में। दोस्तों साग को डेगची में डाल रहे दी, आप लोग देख ही सकते हैं। धोएंगे जी और उसको बढ़िया से धो लेना है। और उधर पूरा भून जा चुका है, प्याज भी बढ़िया से भून जा रहा है। दोस्तों हम लोग का प्याज पूरा भून जा चुका है, अभी देख ही सकते हो अभी हम लोग साग को धो रहे हैं, डाल देते हैं। ए जी थोड़ा सा पानी दो तो, ओ है लोटा में। तो दोस्तों अभी हम लोग धो लिए साग को, अभी डाल रहे हैं, देख ही सकते हो प्याज पूरा भून जा चुका है।
डाल रही हूँ। देख ही सकते हो अभी चला को पूरा मिक्स कर दे रहे हैं, देख ही सकते हो। तो दोस्तों देख ही सकते हो हम लोग नमक डाल रहे हैं, कम ही देंगे ना जी, साग होने से तीखा हो जाएगा, होने से अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों हम लोग बढ़िया से सब्जी उब्जी को चढ़ा दिए चूल्हा में, अभी बन रहेगा आज। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इसमें पूरा हम लोग का जो कोयनार साग का जो सब्जी था वो बढ़िया से बन रहेगा आज। हाँ जी बढ़िया से, आप लोग देख सकते हैं उसको जलाइए जी बढ़िया से। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसी में बन रहा है कोयनार साग का रेसिपी, अभी मस्त लगेगा दोस्तों इसका। तो चलिए दोस्तों आज दोस्तों बहुत दिन के बाद में खा रहे हैं, तो चलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहे हैं ना, हम लोग थोड़ा मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। हम लोग का साग भुंजा चुका है, अभी इसको उतार रहे हैं, देख ही सकते हो पूरा भुंजा चुका है। सो दोस्तों हम लोग का साग कंप्लीट हो चुका है, तो अभी छोटू की माँ उतारेगी। ये रहा उतार, उधर रखना है साइड में, और इधर साइड में छोटू खड़ा है और खाएगा छोटू। हाँ तो चलिए हम लोग आज का वीडियो यही तक रखते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी को प्रेम पूर्वक धन्यवाद।